गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी। शाम के बज रहे हैं 4:41, डेट है आज 3 जून। और आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नाम है शेयर एकेडमी। हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा तेज़ी से चैनल बढ़ रहा है आगे। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपको किसी भी तरह से इन वीडियोस से प्रॉफिट मिल रहा है या फिर कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो वीडियोस को कीजिए लाइक। अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फ्रेंड्स स्क्रीन पर आ रहा है इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। शर्त सिर्फ एक है फ्रेंड्स, कि हमारा ये चैनल मार्केट में चल रहे हजारों दूसरे चैनल्स की तरह स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग नहीं करता। हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, उसके बाद खरीदारी की राय देते हैं मिनिमम वीकली पोजीशंस के लिए और मैक्सिमम ईयरली या फिर उससे भी लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो शेयर्स के तौर पर। और हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी मार्केट में हर एक शेयर से मिनिमम 10% के ही होते हैं, चूंकि हम शेयर्स को थॉरली एनालाइज करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, आज का ये वीडियो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज का अगला वीडियो है, नंबर 8, और जो कि एक एक्सटेंशन है, इंडिकेटर्स क्या हैं या मूविंग एवरेज का बेस्ट यूज कैसे करें, इसका है पार्ट 2, जिसमें कि आज हम मूविंग एवरेजेस को फाइनली कंप्लीट करेंगे कि मूविंग एवरेज इंडिकेटर का बेस्ट यूज कैसे करना है, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे आपको पता है, ट्रेड टाइगर वर्जन है 2.5, बिल्कुल लेटेस्ट। और अगर आप चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस सीखना या फिर टेक्निकल एनालिसिस सीखकर अपनी कॉस्ट जनरेट करना, सो वो बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। सो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस। और सबसे पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने इससे पहले की जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज है वो देख रखी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है फ्रेंड्स, तो हमारा सजेशन है कि इस वीडियो को यहीं पर रोकिए, लर्न टू अर्न सीरीज को वीडियो बाय वीडियो, जो जिस सीरीज में वीडियो बना हुआ है इसी सीरीज में इन्हें देखिए। सबसे पहले लर्न टू अर्न सीरीज का नंबर 1, देन 2, 3, 4 करके देखिए। और अगर आपने 7 वीडियोस देख रखे हैं तो आगे का जो भी एनालिसिस हम करेंगे वो आपकी समझ में आएगा। फ्रेंड्स इसे जंप करना बिल्कुल भी सही फैसला नहीं है, ओके? जिस सॉफ्ट चार्ट का हम इस्तेमाल करेंगे, अगेन ये डेली कैंडलस्टिक चार्ट है, और सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है कि इसके अंदर हम एवरेज ऐड कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू और 30 दिनों की। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तब आपको बताया था कि 2 मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कीजिए, कोई भी 2 मूविंग एवरेज, 10, 30, 50, 100, 150, 200 डेज, इनमें से कोई भी 2 वैल्यूज ले लीजिए। 2 मूविंग एवरेजेस लेने के बाद जब भी कभी भी शेयर कम मूविंग एवरेज वाली लाइन बड़ी मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तब आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। ये हमने आपको लास्ट टाइम बताया था, जैसा कि यहां हो रहा है, जैसा कि यहां हो रहा है, या जैसा कि यहां हो रहा है। यहां तक आप क्लियर हैं? अब आज हम इससे एक लेवल और एडवांस चलेंगे। जरा ध्यान से एक चीज देखिएगा फ्रेंड्स, अगर सिंगल मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक, और करेंटली हम इस्तेमाल कर रहे हैं 30 दिनों का मूविंग एवरेज, तो इन लेवल्स पर हमें एक बाय सिग्नल मिल जाता है, ठीक। ये लेवल है जहां पर हमें एक बाय सिग्नल मिल गया। लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर हम बजाय 30 दिनों के, अगर हम 100 दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करें तो क्या होता है? वही लेवल जो हमारा बाय लेवल था, असल में वो हमारा बाय लेवल नहीं है। अब हम खरीदारी कहां करेंगे अगर हम 100 दिनों का मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं? तो तब हम खरीदारी करेंगे इन लेवल्स के पास में, यानी इतना प्रॉफिट जो हमारा है वो चला जाएगा। तो क्या यह चीज सही है? फिर हमें किस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए? यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह आपको कैसे पता चलेगा? यह आपको पता चलेगा अपने एक्सपीरियंस से। अब ध्यान से देखिए कि यह पर्टिकुलर माइथन अलॉय का जो शेयर है वो 30 डेज का जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है इसे कहीं बेहतर तरीके से सपोर्ट करता है बजाय 100 दिनों के मूविंग एवरेज के। इस वजह से इंडिविजुअल शेयर्स, अलग अलग शेयर्स, अलग अलग मूविंग एवरेजेस को बेहतर सपोर्ट करते हैं, जो आपको पता होता है जब आप एक्सपीरियंस करते रहते हैं शेयर्स को काफ़ी लंबे समय तक। जब टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट देखते रहते हैं तब आपको धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें पता चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का जो चार्ट है या एक ही तरह का मूविंग एवरेज वो सारे चार्ट्स पर एप्लीकेबल हो जाएगा, अंटिल एनालिस आप बहुत लंबे समय का गैप ना ले रहे हों या बहुत लंबे समय के बारे में एनालिसिस ना कर रहे हो। तो फिर इन सारी समस्याओं से बचने की वजह क्या है, मतलब इसका रास्ता क्या है? अब हमें याद करना पड़ेगा कि अगर हमारे पोर्टफोलियो में 50 शेयर हों तो हमको ये याद करना पड़ेगा कि किस शेयर के साथ में कौन सा मूविंग एवरेज चलेगा। ये तो संभव नहीं है, फिर तो
जो लर्न टू अर्न सीरीज है, जो आपको सिखा रही है, वो सिखाने के बजाय आपको और भी ज्यादा कंफ्यूजन में डाल रही है। तो फिर क्या इसका कोई आसान उपाय है कि बजाय इसके कि हम एक एक शेयर के बारे में एक एक मूविंग एवरेज याद रखें, इसका कोई और सरल उपाय है? जी हाँ बिल्कुल, और उसका नाम है मूविंग एवरेज क्लस्टर। ध्यान से सुनिएगा, मूविंग एवरेज क्लस्टर। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आपको शेयर एकेडमी में मिलेगा, या फिर इसका इस्तेमाल एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस चैनल पर आने वाली एक बहुत ही बढ़िया टेक्निकल एनालिस्ट मैम, का नाम है सिमी भौमिक मैम, वो इस्तेमाल करती हैं। इनके अलावा ये आपको टेक्निक और कहीं भी इस्तेमाल होते हुए नहीं दिखेगी। अब ध्यान से सुनिएगा कि मूविंग एवरेज क्लस्टर से अंदर हम क्या करते हैं। मूविंग एवरेज क्लस्टर, जैसा कि नाम से ही इंगित है, कि ये मूविंग एवरेजेस का एक समूह है। क्लस्टर का मतलब एक गुच्छा। हम बजाय एक या दो मूविंग एवरेज इस्तेमाल करने के, इस टेक्निक में हम मल्टीपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे 10 दिन, 30 दिन, देन 50 दिन, 100 दिन, देन 200 दिन। इतने मूविंग एवरेज हम इस्तेमाल करते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा जिन मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल होता है वो होते हैं 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन और 30 दिन। ठीक, अगर आपको सिर्फ चार मूविंग एवरेजेस रखने हो और आप पूछें कि सबसे बेहतर चार मूविंग एवरेजेस कौन से हैं, तो वो है 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन। इन चारों मूविंग एवरेजेस को ले लीजिए और किसी भी चार्ट पर प्लॉट कर दीजिए। अब उसके बाद नियम है, जब भी कभी कोई शेयर इन चारों मूविंग एवरेजेस के गुच्छे को एक जगह पार करे ऊपर की तरफ, शेयर का चार्ट, वो जगह होगी आपकी खरीदारी करने की, और उस जगह पर आप शेयर में खरीदारी कर लीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए कि माइथन एलॉय के चार्ट ने ऐसा कब कब किया है। ये सबसे पहला पॉइंट आपको मिला, जहां पर कि जो मूविंग एवरेजेस का गुच्छा था, चार्ट ने उसको पार किया ऊपर की तरफ, और शेयर का रनअप देखिए। ठीक, अब जरा दोबारा देखिए, एक हुआ पॉइंट ये, जहां पर कि मूविंग एवरेज के गुच्छे को पार किया चार्ट ने ऊपर की तरफ। ठीक, अब जरा देखिए, और कहीं आ रहा है? ध्यान से देखते रहिएगा, और आ रहा है माइथन एलॉय का उन्हीं लेवल्स पर जिन लेवल्स पर इसे हमने बाई के लिए सजेस्ट किया। ये दिख रहा है आपको, क्यों हमने इसे यहां बाई के लिए सजेस्ट किया? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि इसने मूविंग एवरेज क्लस्टर को तोड़ा था। ठीक, अब जरा कुछ और शेयर्स देखते हैं जो कि हमारे रिकमेंडेड शेयर हैं। क्या ऐसा है कि हम किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट के अंदर? जरा देखते हैं, एस, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं लेवल जहां पर कि मूविंग एवरेज क्लस्टर को शेयर ने तोड़ा ऊपर की तरफ, पूरे गुच्छे को, 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 30 दिन, और उसके बाद शेयर का रनअप देखिए। ठीक, इसके अलावा और कहीं भी नहीं। देन एशियन टाइल्स, ये क्लस्टर दिख रहा है आपको, ये यहां पर क्लस्टर दिखा जहां पर कि एशियन टाइल्स ने तोड़ा मूविंग एवरेज के गुच्छे को ऊपर की तरफ, और रनअप कहां से मिला है? 235 से गया है शेयर 383 तक। ठीक, और जरा इस गुच्छे को ध्यान से देखिए, जिसे कि एशियन टाइल्स ने अभी अभी तोड़ा है इस जगह पर, दिख रहा है, और शेयर ऊपर की तरफ निकल रहा है। देन बीईएल, ये वो लेवल है जहां पर कि बीईएल इस पूरे गुच्छे को तोड़ रहा है। लेवल्स थे करीब 99 के, और वहां से शेयर भागता है 115, 15% का रनअप, बट ये रनअप बहुत छोटा है। कैनफिन होम्स, ये लेटेस्ट दिख रहा है जहां पर कि शेयर ने इस गुच्छे को तोड़ा है मूविंग एवरेज के क्लस्टर को। सेरा सिरेमिक्स, अगेन देखिए, मूविंग एवरेज क्लस्टर को तोड़कर शेयर ऊपर की तरफ निकल रहा है। एफएसएल, मूविंग एवरेज क्लस्टर को तोड़कर ऊपर की तरफ निकल रहा है, और जिन जिन जगहों पर शेयर ने मूविंग एवरेज के क्लस्टर को ऊपर की तरफ तोड़ा, वो लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए। दिख रहा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, और फ्रेंड्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जिसे बहुत कम लोग यूज करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं मार्केट के अंदर, एक मूविंग एवरेज ले लेंगे और शेयर उसके नीचे जाता है तो खरीदारी करेंगे, उसके ऊपर जाता है तो खरीदारी करेंगे, नीचे आता है तो बिकवाली करेंगे। फिर थोड़ा बहुत अगर कोई समझदार होता है या थोड़ा बहुत नॉलेज और एक्सपेंड कर लेता है, तो वो मार्केट में ड्यूअल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता है, और जिस जगह पर कम नंबर्स वाला मूविंग एवरेज, हायर नंबर वाले मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, वो इसे गोल्डन क्रॉस ओवर कह देते हैं, और वहां खरीदारी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो वॉल्यूम देख लेते हैं। बट ये है एडवांस लेवल जहां कि आप मल्टीपल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करते हैं
क्लियर श्योर शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए कि किस जगह पर शेयर बढ़िया मूवमेंट देने वाला है। और एक चीज ध्यान रखिए, आप देखते हैं कि मूविंग एवरेज क्लस्टर को जब शेयर तोड़ता है तो कोई भी शेयर 2-3 साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा काम करता है। ऐसा नहीं कि शेयर रेगुलरली ये करता रहता है, तोड़ता रहता है और नीचे निकलता रहता, नहीं। यही वजह है कि एट ए टाइम मार्केट में खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। ये बात समझने वाली है एक रिटेल निवेशक को, बचने के लिए मार्केट में मूविंग एवरेज क्लस्टर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर समय मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती ही रहेंगी। ये इंफॉर्मेशन मूविंग एवरेज क्लस्टर की आपको ये बताती है कि मार्केट में हर समय खरीदारी और हर शेयर में हर समय खरीदारी मौजूद नहीं होती है। आईजीएल, ध्यान से देखिए कौन से लेवल थे जहां पर कि शेयर ने मूविंग एवरेज क्लस्टर को मजबूती के साथ तोड़ा। एक तो ये लेटेस्ट जहां से कि हमने इसे रेकमेंड किया था 287 का, और उससे पहले ये क्लस्टर दिख रहा है आपको और ये क्लस्टर दिख रहा है, दिख रहा है माइथान अलॉय डिस्कस हो चुका, ये वाला क्लस्टर आपको दिखा, इसी की वजह से हमने यहां पर इसे रेकमेंड किया। मेघमणि ऑर्गेनिक्स एक अर्ली बर्ड के तौर पर है और ये इस क्लस्टर को तोड़ रहा है अभी, इसलिए ये अर्ली बर्ड शेयर्स हैं हमारे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, देखिए ये मूविंग एवरेज क्लस्टर है जिसे मोतीलाल ओसवाल तोड़ रहा है। ये क्लस्टर दिख रहा है आपको, इस क्लस्टर को तोड़कर मोतीलाल ओसवाल ऊपर की तरफ निकल रहा है। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज क्लस्टर की, इसलिए हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप सिर्फ एक या दो मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल करते हैं तो होगा क्या कि 50 दिनों के मूविंग एवरेज जब आप लगाएंगे तो शेयर आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगा, लेकिन अगर आप 30 दिनों का मूविंग एवरेज लगाएंगे तो शेयर आपको अप ट्रेंड में दिखेगा। इसलिए मार्केट में कभी भी सिंगल या डबल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करना है जब तक कि आपके पास बहुत तजुर्बा नहीं आ जाता है। जब अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाता है तब आप सिंगल डबल मूविंग एवरेज, आप चार्ट देखकर ये बता सकते हैं कि ये किस मूविंग एवरेज के ऊपर होगा और किस मूविंग एवरेज के नीचे होगा, ठीक है ना। और कुछ देख लेते हैं आइडियाज, जैसे कि पेज इंडस्ट्रीज, देखिए मल्टीपल डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, ठीक, और देखिए किस जगह पर शेयर ने मल्टीपल डेज मूविंग एवरेज क्लस्टर को तोड़ा है, ठीक, यहां पर शेयर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे निकल आया, ठीक। और जैसे चार्ट 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे निकलता है शेयर से दूर हो जाना है। रैमको सीमेंट, ये वो लेवल्स थे जहां पर कि हमने बाई के लिए बोला था। आप वीडियो सीरीज में जाइए जो हमारी वीडियो सीरीज है, और इसके अंदर ढूंढिए रैमको सीमेंट को हमने किस जगह पर बाई के लिए बोला था। इंडिया सीमेंट इसके बाद, एडवांस एंजाइम उससे पहले, वाइनल केमिकल, हेक्सावेयर, माइथन एलॉय, सुवेन लाइफ साइंसेस। रैमको सीमेंट कहाँ गया? एशियन ग्रैनिटो, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, अभी ढूंढ कर निकालते हैं आपके लिए। फिनोलेक्स, एक्शन केबल, हेक्सावेयर, ग्रीन प्लाई, माइथन, मेघमणि, फर्स्ट सोर्स, मोतीलाल, वाइनल केमिकल, एडवांस एंजाइम। अरे जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया रैमको सीमेंट? ओके, ये रहा। 2 मंथ्स एगो हमने रेकमेंड किया था माइथन रैमको सीमेंट माइलस्टोन शेयर के तौर पर। तो फ्रेंड, और रेकमेंड करने की वजह क्या रही? वजह सेम यही है कि शेयर ने, एक तो फंडामेंटली शेयर स्ट्रांग था, सबसे पहले हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया, फिर इसका वॉल्यूम एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, और उसके बाद शेयर का टेक्निकल एनालिसिस जिसके अंदर ये शामिल है। सो फ्रेंड्स, सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बहुत इधर उधर की बातें करने का मतलब नहीं है, टू द पॉइंट बात करनी थी। और ये है वो तरीका जो कि है लेवल एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस के बाद, स्पेशली इंडिकेटर्स का, जो कि है सिंपल मूविंग एवरेज। अब फ्रेंड्स, इसमें एक इंफॉर्मेशन आपके साथ में और शेयर करनी है, वो ये है कि जब इससे भी एक लेवल आप ऊपर जाएं और मूविंग एवरेजेस का आपको इस्तेमाल करना हो तो ऑप्शन में अगर आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज के बजाय एक्सपोनेंशियल अगर हो, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो बेहतर है कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करें। इसकी वजह क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस लेटेस्ट वैल्यू का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बजाय ओल्ड वैल्यूज के, और जितनी ज्यादा लेटेस्ट वैल्यू आप इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब है कि आपकी जो राय है वो उतनी ज्यादा सही होती है। अब इसके बारे में आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो आप यूट्यूब पर जाइए, नेट पर जाइए, आपको तमाम वीडियोस मिल जाएंगे, आपको वो बता देंगे कि कैसे लेटेस्ट वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर आपको इसका डिटेल एनालिसिस या ये नहीं समझा सकते कि लेटेस्ट वैल्यू का कैसे इस्तेमाल किया। ये समझ लीजिए कि अगर 10 दिनों की बात है तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जब 11वां दिन आता है तो पहले दिन की वैल्यूज को हटा देता है, जब 12वां दिन आता है तो सेकेंड डे की वैल्यू को हटा देता है, और लास्ट के सिर्फ 10 डेज को रखता है, ठीक। ये मोटा मोटी आप ये समझिए
कि एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ जो है मूविंग एवरेजेस वो थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस के। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर वक्त आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ का इस्तेमाल कीजिए मूविंग एवरेजेस जब भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आज के इस सेशन से आपको थोड़ा बहुत इंसाइट मिला होगा, और थोड़ा बहुत नहीं, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स जो हमने आज तक कभी भी किसी टेक्निकल एनालिसिस चैनल पर डिस्कस होते हुए नहीं देखी है। और उसकी वजह यह है फ्रेंड्स कि टेक्निकल चैनल्स पर डिस्कस नहीं होती है क्योंकि इसका नॉलेज नहीं है लोगों के पास में। सो यहां पर नॉलेज है इसलिए हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सीरीज आपके लिए प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ आपको अच्छी तरह से सिखा रही होगी। हमने कोशिश यही की है इस पूरी सीरीज के दौरान कि हमेशा भाषा बिल्कुल आसान रखी है, कोई कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं, ताकि आप इनिशियल स्टेज में ही आपका मन ना हल्का हो, मतलब खट्टा हो जाए इसके कि ये भाई इतनी कठिन चीज़ है, इसे तो सीखा ही नहीं जा सकता। बहुत आसान है, ये समझिए कि मार्केट के अंदर अगर हमारी टीम के लोग सीख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, या पर्टिकुलर हमारे जैसा इंसान सीख सकता है, तो आपके लिए बहुत आसान होगी। हम तो अपनी इनिशियल स्टडीज़ में बहुत डंब थे, ठीक है। सो अगर हम सीख सकते हैं तो आप हमसे फार बेटर हो सकते हैं। कोशिश कीजिए कि बार बार इन वीडियोस को देखने की। और फ्रेंड्स हम दोबारा करें कि आपके पास में जितने डाउट्स हैं उन्हें लिख कर रखिए अपने पास में एक डायरी में। सेशन जब कंप्लीट होगा, 45 वीडियो जैसे ही कंप्लीट होंगे, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी कोई डाउट्स बढ़ते हैं तो हम लाइव सेशन जरूर करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। उन लाइव सेशंस में आपके जितने भी डाउट्स होते हैं हम उसे सामने के सामने दूर कर देंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा होगा और प्रॉफिटेबल से ज़्यादा आपको कुछ सिखाएगा। अगर ऐसा है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपनी कम्युनिटीज़, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ में। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। शर्त अगेन सेम है फ्रेंड्स कि हम शेयर्स को फंडामेंटली एनालाइज करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर शेयर्स में थॉरली पोजिशंस के लिए हम रेकमेंड करते हैं। हम यहाँ पर कोई गैम्बलिंग नहीं करते हैं, एक एक दो दो परसेंट के लिए हम शेयर्स के पीछे नहीं भागते हैं। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियोस और उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। उम्मीद है आज का ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा फ्रेंड्स। और अगर आप चाहें तो हमें हेल्प भी कर सकते हैं डोनेशन से, पेटीएम नंबर जो स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है आप, और आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल करके भी हमें डोनेट कर सकते हैं। आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच।